नमस्कार, मैं हूं पंकज तिवारी। नवभारत समाचार में आपका स्वागत है। नवभारत समाचार, बद्रीनाथ से आदित्य तोमर की खास रिपोर्ट। चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री विशाल के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में आज पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ के रावल शंकराचार्य जी की गद्दी व तिलों के तिल का तेल कलश बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ, जो आज साय रात्रि विश्राम को पांडुकेश्वर पहुंचेगा। 14 मई को प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद कुबेर जी और उद्धव जी की डोली के साथ रावल शंकराचार्य जी की गद्दी गढ़ी तेल कलश बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। 15 मई को प्रातः 4:30 बजे बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष कपाट खुलने के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों को टाल दिया गया है। सादगी से कपाट खुलने की प्रक्रिया होगी। भगवान बद्री विशाल जी का दिव्य मंदिर, दिव्य धाम, वहाँ के लिए हम प्रस्थान किए जा रहे हैं। आज प्रभात में भगवान की डोली अभी अभी नरसिंह मंदिर से और पूजाओं पर निकली है और आज ये डोली पांडुकेश्वर योग मंदिर में रहेगी। कल प्रभात में पूजा के बाद बद्रिकाश्रम जाएगी और परसों यानी 15 तारीख प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के स्त्री कपाट खोल दिए जाएंगे। पूजा प्रारंभ हो चुकी और भगवान गद्दी सहित जोशीमठ से पांडुकेश्वर की ओर और उद्धव जी कुबेर जी सहित पांडुकेश्वर से बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर रहे हैं। जी अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछली बार फूल मालाओं से भगवान बद्री विशाल का मंदिर सजाया रहता था, इस बार कैसी रौनक रहेगी और कितने तीर्थयात्रियों के आने की या कितने स्थानीय लोगों के वहाँ पर रहने की संभावना? इस बार बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल मैं देख रहा हूँ। चारों ओर शांति शांति है। जहाँ इस समय जोशीमठ में कम से कम 3,000 लोग होते थे, यहाँ पे 50 लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कुछ दिन शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, तत्पश्चात सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और भगवान सबको पुनः देश की स्थिति, विश्व की स्थिति ठीक करने के बाद सबको बुलाएंगे, ऐसी आशा है। हमारी क्योंकि लॉकडाउन अभी गतिमान है, इसलिए कपाट तो 15 मई को अपने शेड्यूल के अनुसार खुलेंगे, परंतु इसमें बाहर के यात्री जो भी रहेंगे, यात्रियों को जाने की परमिशन नहीं रहेगी। और जो लोग कपाट खोलने के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, जैसे रावल जी, नायब रावल जी, खजांची, उनके खजाना गार्ड और जो लक्ष्मी मंदिर पुजारी वगैरह, इन सभी लोगों को अनुमति दी गई है। कुल 28 लोग कपाट ओपनिंग के समय मेन मंदिर में मौजूद रहेंगे।